माशाल्लाह से हम फिक्स्ड ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे राशन पैकिंग चल रही है। यासीन, यहाँ पे हमने यहाँ पे घरों का राशन पैक कर रहे हैं और डेली बेसिस पे यही फिक्स्ड ऑफिस में चलता है कि राशन आता है, उसकी फिर पहले पैकिंग होती है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ इलाकों में हम बेचते हैं अपनी गाड़ियाँ। आलमगीर भाई कहाँ गए? अच्छा, जो ये आटा वगैरह है, चावल हैं, दाल है, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। खजूरें वगैरह सब में डाल दी थी। एक बार सारी चीज़ें जब पैक कर रहे हो ना, उस टाइम एक एक चीज़ चेक कर लेना लाजमी। क्या लें जुनैद, कैसे हो? ठीक हो? पैकिंग का अमल जारी है। यासीन भाई अस्सलाम वालेकुम। यासीन भाई, ये जो आप राशन वगैरह पैक कर रहे हैं, ये अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट जाएगा? ये कराची डिस्ट्रिक्ट गडाप के वहाँ जाएगा, जो कि गडाप के सब आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर भूटो का इलाका है। ठीक है, बस्ती है वहाँ, बिल्कुल देहाती इलाका है, तो वहाँ पे हम दिहाड़ीदार मजदूर मुस्तैक सफ़ेद पोश लोगों को हम वहाँ पे जो है पिछले एक हफ्ते से हमारे साथ रबते में थे, जो हमने खुद वहाँ पे जाके उनको देखा और जब हम मुतमिन थे तब जाके उनके नाम लिस्ट में डाले हुए और उनकी डेलीस पे जाके हम। माशाल्लाह। अच्छा, मतलब आप ही के मेंबर पहले ये कंफर्म करते हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हीं तक ये राशन पहुँचना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, पहले हम जाके वहाँ देखते हैं क्या ये सफ़ेद पोश और ये मिस्टेक है या नहीं है, जब हमें कंफर्म हो जाता है तब जाके हम उनकी डेलीस पे जाते। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। जो हमारे डोनर्स हैं उनको भी ये मुतमईन रहेंगे कि जो हम दे रहे हैं वो ज़रूरतमंद तक पहुँच रहा है। यहाँ पे भी आलमगीर भाई माशाल्लाह से खुद भी लगे हुए हैं। बॉस, ये लड़के कर लेंगे, आप पैकिंग पे आ जाएं। ये आटा है, बेसन है, साथ ही साथ ऑयल है, चावल हैं,
तीन किस्म की दाल है, खजूर है, शरबत है, और ये मुस्तैक लोगों तक इंशाल्लाह जाएगा। एक बंदा इसको वो पैक करता। हाँ सही है, तुम कर रहे हो ना। ये माशाल्लाह से पैकिंग का अमल जारी है। फिर हमारी कल एक और टीम आएगी, फिर ये पैक करेगी, फिर उसी तरीके से ज़रूरतमंद लोगों तक तो ये राशन जाएगा। वालेकुम सलाम अब्बास भाई। फैज़ान भाई ऑफिस आ जाएं। बैग देते जाओ। बस रोजे लग रहे हैं इनको। नो डाउट जो नौजवान लड़के हैं उनको रोज़ों की हालत में होते हैं, और वो बस एक जज्बा होता है उनके अंदर के लोगों की खिदमत करनी है, और वो अपनी परवाह भी नहीं करते, बस दिन रात लगे हुए होते हैं। बहुत शहबाज को रोज़ा नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर भाई। वालेकुम सलाम। आलमगीर भाई ये जो जा रहे हैं ये कच्ची आबादियों में जा रहे हैं, तो जो हमारे डोनर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख शुक्र कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि आज लोग एतमाद करते और अल्लाह की मखलूक तक हम जरिया बन रहे रिस्क पहुँचाने का। और ये काम ऐसा है, इसमें ऐसी बरकत है कि जो हम प्लान करते वो हमारी प्लानिंग से बाला तर है, बेशक हमारी सोच से ये चीज़ें बाला तर हैं। अल्लाह उसमें ऐसी बरकत डालता है, वो चीज़ें बढ़ती चली जाती, और हम ये सोच रहे होते हैं कि संभालेंगे कैसे, जो अल्लाह जिम्मेदारी देता है उसको संभालेंगे कैसे कि मुस्तहिक तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम आम कर सकें, लोगों तक ज़्यादा मदद फैला सकें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 का ये राशन बैग बनाया, जिसमें बुनियादी अशियाँ हैं सारी, 4 लोगों के ख़ानदान के लिए तो 2 हफ्ते का राशन है इसमें। और इस नियत और उम्मीद के साथ के आज भी वो लोग होंगे जिनके दस्तखान मेरी आपकी तरह रौनक ज़दा नहीं होंगे, इतनी हमारी घर पे आपके घर पे डिशेस होती है अफ्तारी और सहरी में, वो शायद एक डिश के लिए तरसते हैं, एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। अच्छा आले, तो उनको इज्जतदार तरीके से हमने ये राशन पहुंचाना, और कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उनको हमने सफ़ेद, ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं
जो इन हालात से मुतासिर हुए हैं उन तक हम जाएंगे, सामान पहुँचाएंगे। अच्छा आलमगीर भाई, ये तकरीबन 15 दिन से लड़के जो हमारे मेंबर्स वगैरह हैं वो 3 तलवार पे भी जाते हैं, वो अपना पूरा दिन वहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये जो पैकिंग करने आते हैं वो भी मेंबर्स, तो उनका उनके लिए क्या मैसेज है, वो जो उनके अंदर जज्बा है वो क्या ऐसी चीज़ है कि उनको मजबूर करती है काम करने? बनाई इसलिए थी कि नौजवानों को खड़ा करें, उनको बाशऊर, बावसाइल, बाइख्तियार, ताकतवर बनाए। और आज आप देख रहे हैं ये नौजवान जो हमारे साथ निकलते हैं ये बगैर किसी ज़ाती मफाद, ज़ाती इंटरेस्ट, ज़ाती फ़ायदे के बगैर निकलते, वो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से निकलते और हर कुर्बानी के लिए तैयार होते इस जज्बे की वजह से। और वो चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, या वो दस्तखान लगाना हो, या वो सफाई करना हो, या सड़क की तामीर हो, या पानी के कुएं बना, जहाँ भी हम निकले, वो चाहे आपने देखा 3 तलवार पर हम यतीम घर के लिए चंदा कर रहे थे, गर्मी धूप में लोग निकले हमारे साथ रोज़े की हालत में। बिल्कुल। और सबसे अहम चीज़ ये कि पाकिस्तानियों ने और स्पेशली कराची वालों ने हमेशा हमारा साथ दिया, और हमेशा चाहे हम मुश्किल में थे चाहे अच्छे बुरे वक्त में, हमेशा वो साथ खड़े हुए। अल्लाह का लाख शुक्र कि अल्लाह ने उनके दिलों में हमारे लिए एतमाद, प्यार पैदा किया। बिल्कुल। और इंशाल्लाह वो हम बरकरार रखें। अच्छा आलमगीर भाई, सिर्फ ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ कराची में है या मुख्तलिफ इलाकों में भी है? नहीं, इस वक्त हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन पेशावर में भी चल रही है, अटक में भी चल रही है, और लाहौर में भी चल रही है, और इस्लामाबाद में भी चल रही है। कहीं बड़े पैमाने पर है, कहीं ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जहाँ हमारी टीम है, हमारे नौजवान हैं, अपनी मदद आप वो जिस हद तक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे मेहनत सब कर रहे हैं। शुक्रिया आलमगीर। ये हमारे शहबाज भाई हैं, इनको माशाल्लाह से रोज़ा नहीं लगा शायद, और ये लगे हुए हैं। शहबाज भाई ये उठा के फिर वापस गाड़ी में भी रखना है, ये भी बता दो। ये हमारे यासीन भाई हैं, ये माशाल्लाह से ये पूरा राशन वगैरह लेके जाएंगे जो कि ज़रूरतमंद लोग होंगे उन तक पहुंचाएंगे। रसूल भाई भी आ चुके हैं, रसूल भाई मैदान में आ गए हैं, और इंशाल्लाह रसूल भाई कैसे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और सुनाएं सब ठीक है, किस्मत कहाँ है? चलें ज़बरदस्त। अरे ठीक लगा पे आओ, किए भी जिंदगी हाल है, शुक्र है मालिक जो बस है पैकिंग वगैरह हले पी, इंशाल्लाह जेके जरूरतमंद मानू हैं उन्हें ताई यो पहुंचाईंदा सा। ना बमेंट अभी हो सर, अपना इमरान भाई ये मोबाइल तो थोड़ी देर पकड़ा, ये डिवाइस है। इसको एक दिन और बाद में बुला लेते अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स्ड रोज़ाना की बुनियाद पे
सैकड़ों मुस्तहिक फैमिलीज़ को राशन की फरहमी यकीनी बना रही है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे डोनर्स का भी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें इस कार खैर में मदद करते हैं, और हमारे रज़ाकार जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर तीन तलवार पर फंड रेजिंग के बाद यहाँ आकर राशन की पैकिंग भी करते हैं और उसे घर घर पहुँचाते भी हैं, और इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। यासीन भाई क्या कर रहे हैं फिर आप? सदाफिर भाई को बुलाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं फिक्स्ड हेडक्वार्टर में राशन की पैकिंग का सिलसिला जारी है, और अब ये तमाम राशन जो मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। आज रात हमारे रज़ाकार मुख्तलिफ इलाकों में जाकर इस बात को यकीनी बनाते हुए कि किसी की भी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, सफ़ेद पोश लोगों को हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं हमारे रज़ाकार, और उनके घरों तक खामोशी के साथ ये तमाम राशन पहुंचाया जाता है। और ये यकुम रमज़ान से सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और ये सब यकीन मुमकिन हो सकता है आप लोगों की मदद से। और अभी भी फिक्स्ड के पास सैकड़ों राशन की दरख्वास्तें मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहां मुस्तहिकीन आपकी इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ फिक्स्ड का साथ दें, और अगर ख़ुद से भी आप पहुँचाना चाहते हैं तो हमसे रابطہ करें, हम आपको वो इलाके बताएंगे, आप ख़ुद भी वहाँ जाके राशन पहुँचा सकते हैं। और अगर फिक्स्ड के साथ जाकर आप कैंपेन ये करना चाहते हैं, मैं वॉलंटियर करना चाहते हैं इस तमाम कैंपेन में हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी रابطہ करें। जिस तरीके से भी जो भी अपना हिस्सा शामिल कर सकता है वो लाजमी करें। अगर कोई पैसों की मद में मदद नहीं कर सकता तो आप कोई भी एक आइटम, किसी एक आइटम की ज़िम्मेदारी लेकर हमारा साथ दे सकते हैं वो यहाँ तक पहुँचा कर, ताकि ये सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी भाई। बच गया है, किसी में कम डाल दे, डालने में कितने? आप इसी को चेक कर लो है? ये देखो दो तीन अरीब करीब खुले हुए हैं, ऐसे ही होंगे, इसमें भी है। खोल लो यार, एक हाथ की बातें खोल लो।
इसी का था। लाइफ चलाएं कोई।